आज 5 फरवरी 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है देर रात 5:15 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि। आज धनिष्ठा नक्षत्र है दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शाम 7:35 पर। आज मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे रात 11:48 पर। पंचक प्रारंभ हो रहे हैं शाम 7:35 से और गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। मेष राशि वाले समझ लें कि कामकाज से जुड़े फैसलों को लेकर आपका उतावलापन बढ़ रहा है और इसलिए आप कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं जो आपको मुश्किलों में भी डाल सकता है। इसलिए इस बात को समझ लें कि हर छोटी बात के पीछे भी कोई ना कोई मार्गदर्शन छुपा हुआ हो सकता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी परेशानियों को तो साथ ही साथ समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को इस रूप से लगाना होगा कि उसमें आपके लिए बचाव भी बना रहे। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ में हाथ डालने से भी बचना होगा, पर इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत यह होगी कि आप लोगों से हर तरह का तालमेल बनाए रखें। आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ और आपकी ज़िंदगी की स्थिरता इसी बात पर निर्भर करेगी। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि अनजाने में नुकसान हो जाना एक बात है, पर अपनी गलतियों से नुकसान होता चला जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इस समय आपके लिए भी कुछ ऐसे दबाव बने हुए हैं जिन्हें संभाले रखना कठिन हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी जानकारी और अपनी मेहनत से आप अपनी ज़िंदगी की सही दिशा बना लें, यहाँ तक तो ठीक है, पर उसके चलते अपने लिए खतरा मोल लेते चले जाए इस बात से बचना हो। किसी भी चीज़ की सीमाओं को समझ लेना और उन्हें बांध लेना बहुत ज़रूरी होता है। मिथुन राशि वालों के कामकाज की स्थिति बहुत सारी प्राथमिकता मांगती है, पर परेशानी यह है कि आपका काम से कुछ हद तक मन हट सा गया है। आप काम से लाभ तो चाह रहे हैं लेकिन उसमें अपनी लगन नहीं बना पा रहे। क्या करना चाहिए समूह? अपनी बात लोगों से कहनी होगी और लोगों की बात को भी सुनना होगा, तब जाकर जिंदगी के फैसले सही हो पाएंगे और आपकी मानसिकता आपका साथ दे पाएगी, क्योंकि अपनी लगन को कम करने की वजह से आप लोगों को सिर्फ नाराज ही करते चले जाएंगे। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है। इस समय बाकी सारी बातों को भुलाकर आपको अपने काम की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि रिश्तों को संभाले रखने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, इसलिए रिश्तों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने से भी फिलहाल बचना। क्या करना चाहिए समय? काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ सीखने और कुछ समझने की समय है और आपकी सूझबूझ कुछ इस रूप से भी बनी हुई है कि आप लोगों से अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश कर सकें। इस प्रयास के भी अच्छे नतीजे जरूर प्राप्त होंगे, पर किसी भी बात को लेकर अपने मन को उचाट करते चले जाने से बचना हो। सिंह राशि वालों की मुश्किलें बहुत सारी इस वजह से हैं क्योंकि आपने अपने मन में वो मुश्किलें बिठा रखी हैं और आपका असंतोष आपके ऊपर हावी होता चला जा रहा है। तकदीर को आजमाने के प्रयास में भी नुकसान हो सकता है, जिससे बचने की जरूरत है। ऐसे में निजी जीवन के सुख और सुकून को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। किस चीज़ में कितना पैसा लगना चाहिए और किस चीज़ में बचाव की स्थिति बनाकर संभलना चाहिए, इस तरह का मनन करना पड़ेगा। किसी ऐसे विचार को भी फिलहाल थाम लेने की जरूरत पड़ेगी जो आपके पैसे को सिर्फ फंसाता चला जाए। कन्या राशि वाले समझ लें कि समय एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल समय से गुजरते हुए उस उम्मीद को बनाए रखना चाहिए कि हालात बेहतर हो जाएंगे, पर अच्छे समय से गुजरते हुए भी इस बात को याद रखें कि मुश्किलें भी आ सकती हैं और आपके लिए अब समय चुनौती भरा बनता चला जाए, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी लगन और अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, पर जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। किसी भी सफलता को पैसे के बजाय अपनी मेहनत के संदर्भ में देखना होगा और उसी मेहनत को बनाए रखने की जरूरत पड़े। तुला राशि वाले ये समझ लें कि कई चीज़ों को लेकर रुक जाने की जरूरत है, चाहे वो पैसे से जुड़े फैसले हों या किसी नए रास्ते पर चलने की इच्छा हो। स्थिरता के रूप में सुख और सुकून बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समूह में? हालात आपके लिए हर तरह से मददगार हैं और आगे भी मददगार ही बने रहेंगे। रिश्तों को संभाले रखने के लिए परिस्थितियां आपकी मदद करेंगी और आपको अपनों के करीब आने का मौका भी देंगी और इसी अच्छाई से फायदा उठाना होगा। वृश्चिक राशि वालों के हालात इसलिए मददगार हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने लिए बहुत सारी शांति बनाए रखी है, पर धीरे धीरे समय ऐसा बन रहा है जिसमें आपको अपनी विनम्रता को आगे भी बनाए रखना होगा। अपने व्यवहार को बहुत धीमा बनाए रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को संभालना आसान हो जाएगा और आप किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति से बचे रहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इस समय आपके लिए अच्छाई यह है कि आपकी मेहनत आपको पूरा लाभ दे सकती है। अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जाने से भी बचने की जरूरत पड़ेगी। धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी रही हैं जिसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ा है पहले,
अब समय ऐसा बनता चला जा रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाए और आपकी खुशियों को बढ़ाए। आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया है और यही चीज अब आपको सुख और सुकून दे सकती है, जिसका बाहें फैलाकर स्वागत करने का समय। क्या करना चाहिए समय? अपने विचार विमर्श इस रूप से बनाएं जिसमें लोग भी शामिल हो सके और आपको अच्छी सलाह भी दे सके। अपनी मानसिकता को इस रूप से ढाल लें कि आपकी हर बात में आपकी व्यवहारिकता भी झलके और आपकी सूझबूझ भी नजर आए। अच्छा समय है, इसका पूरा फायदा उठा लें। मकर राशि वालों ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया है, उसी अच्छाई को और बढ़ाने का समय है ताकि जिंदगी जो आपको खुशियों के रूप में देना चाह रही है वो आपको प्राप्त हो सके। पैसे की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी पर अपने खर्चों की ओर फिर भी एक नजर रखनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं पर हर छोटी बात को संभाले रखने की फिर भी कोशिश करनी होगी, इसलिए किसी भी तरह के बड़े फैसले से फिलहाल आपको बचना होगा। किसी भी तरह का परिवर्तन करने के बजाय स्थिरता के रूप में सुख और सुकून पा लेने का समय है। कुंभ राशि वालों के लिए काम से लाभ बना रहा है और ये आपके लिए बड़ा आशीर्वाद, पर अब अपनी मेहनत को बढ़ाने का समय बनता चला जा रहा है जो आपको बड़ी सफलता दे सके। इसलिए अपनी जिंदगी को उस आशावादी नजरिए से देखना होगा जो आपको बहुत कुछ इस समय देना चाह रही है, पर ऐसा करते हुए अपने अंदर बहुत सारी सूझबूझ बनाए रखनी होगी। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये नुकसान भरा समय है जो आपकी अपनी गलतियों से हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प खुल रहे हैं जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होती चली जाए। भाग्यशाली समय बन रहा है जो आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बहुत अच्छी भूमिका है आपकी जिंदगी में। उसका एक कारण यह भी है कि आपने अपनी सूझबूझ बनाए रखी है, पर आने वाले समय में आपको इस विनम्रता को आगे भी बनाए रखना होगा। जितना धैर्य बनाए रखेंगे उतना ही लोगों की सहानुभूति आपके लिए बनी रहेगी।